गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए जा रहे हो या रिस्टार्ट करने के लिए जा रहे हो, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, देयर आर करेक्टली नो पावर ऑप्शन अवेलेबल, तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बहुत ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को होल कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में चले जाना है और आपको यहाँ पे टाइप कर आपको यहाँ पे सर्च करना है रेज एडिट REGEDIT रेज एडिट आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे इसे टाइप करना है और आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का ऑप्शन होगा, तो आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक पाथ आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको एक पाथ को आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, मैंने कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मैं आपको उस पाथ को मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड में यहाँ पे मैंने टाइप करके रखा हूँ और मैं इस पाथ को मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, तो आप जाकर आप वहाँ से डायरेक्टली आप इस पाथ को जो यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ इस पाथ को आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे मैं यहाँ पे अपने नोटपैड से इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको उसी पाथ को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे पेस्ट कर देना है। उसी पाथ को पेस्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद फिर आपको यहाँ पे रजिस्ट्री डिवर्ट फाइल्स आपको यहाँ पे कुछ शो होंगे राइट साइड की ओर, तो यहाँ पे आपको नो क्लोज का आपके यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है। अब आप यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे वैल्यू डेटा में यहाँ पे 1 यहाँ पे टाइप किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे 1 से आपको यहाँ पे 0 कर देना है। जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, सबसे पहले तो जैसे मैं यहाँ पे 0 नहीं किया हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 1 ही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप स्टार्ट मेन्यू में जाओगे और आप यहाँ पे पावर बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम जैसे आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं अब इसे 0 कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू डेटा में मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। 0 कर देने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे इसे रिफ्रेश कर लेना है। अपने टास्क बार पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। टास्क मैनेजर को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडोज़ एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे रीस्टार्ट एक बार आपको यहाँ पे कर लेना है, नहीं तो आप यहाँ पे एक बार अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसे ही रीस्टार्ट कर देता हूँ। रीस्टार्ट कर देने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे क्या, यहाँ पे मैं आप यहाँ पे पावर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा पावर्स का जो ऑप्शंस यहाँ पे आना चाहिए, शट डाउन के रिलेटेड, रीस्टार्ट के रिलेटेड और स्लिप के रिलेटेड, वो सभी ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो चुका है। और गाइज अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडियाज़ को फॉलो नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए, तो जल्दी से जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स वगैरह डालता रहता हूँ जो आपको हमेशा काम में ही आने वाला है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे एक सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।